26 साल की युवती, 35 टुकड़े और 18 दिनों तक इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने का चलता रहा सिलसिला। ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी या क्राइम सीरीज का सीन नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में ये वारदात हुई है, जिसका खुलासा 5 महीने बाद ऐसे हुआ कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां एक कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती श्रद्धा की मुलाकात सहकर्मी आफताब अमीन पूनावाला से होती है। दोनों के बीच पहले दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। प्यार परवान चढ़ता है और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। लेकिन श्रद्धा के घर वालों के विरोध के बाद दोनों भाग कर दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ छतरपुर में एक फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। लेकिन श्रद्धा को क्या पता था कि अपना घर छोड़ जिस आफताब के साथ उसने नया घर बसाया था, वो उसका नामो निशान मिटा देगा। पुलिस के मुताबिक दिल्ली आने के बाद कुछ वक्त तक दोनों के बीच सब ठीक रहता है, लेकिन श्रद्धा ने शादी की बात की तो आफताब के तेवर बदल गए। 18 मई की रात को भी दोनों के बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ और आफताब ने गला घोटकर श्रद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव के 35 टुकड़े किए, उसे रखने के लिए फ्रिज खरीदा और हर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच वो शव के टुकड़ों को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। बताया जा रहा है कि आफताब करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर जंगल में शव के टुकड़ों को फेंकता था ताकि कोई जानवर उसे खा जाए। पूरे हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के घर वालों को काफी वक्त तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली श्रद्धा ने मई के बाद कोई अपडेट नहीं किया, फोन से भी संपर्क नहीं हो पाया। तो श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर 8 नवंबर को सीधे छतरपुर में अपनी बेटी के फ्लैट पर पहुंच गए, लेकिन वहां ताला बंद देख उन्होंने मेहरौली थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज कराया। फिर छानबीन में जुटी पुलिस ने महीनों बाद टेक्निकल सर्विलांस की मदद से शनिवार को आफताब को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने क्यों श्रद्धा की हत्या की और कैसे कई दिनों तक शव के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा।